अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, हुंडई सिटी 2021 मॉडल का, जो कि आपको व्हाइट कलर के अंदर आपको गाड़ी मिल जाती है। इसके अंदर अगर फ्यूचर की बात की जाए, इसके अंदर आपको मल्टीमीडिया स्टेयरिंग दिया जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल और रिट्रेक्टेबल मिरर आपको दिए जाते हैं। और डैशबोर्ड के अंदर अगर बात की जाए इंटीरियर की, इसके अंदर आपको दो एयरबैग भी दिए जाते हैं और 1.2 आपको इसके अंदर इंजन दिया जाता है। अब इसके इंशाल्लाह डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, और देखते हैं कि इसकी शेप के अंदर क्या डिफरेंट है। हेडलाइट्स और शेप वाइज गाड़ी काफ़ी डिफरेंट है। अंदर से भी चले इसका इंटीरियर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी फ्रंट की अगर प्रोफाइल की बात की जाए, इसकी प्रोफाइल काफ़ी नीट एंड क्लीन है और ज़रा सी हट कर इसकी मतलब एक काफ़ी अमेजिंग इसकी प्रोफाइल लुक आ गई है। अगर इसकी हेडलाइट्स की बात की जाए, हेडलाइट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं डे टाइम रनिंग लाइट्स दिए जाते हैं, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लैंप्स दिए जाते हैं, साइड में आपको इसका इंडिकेटर भी दिया जाता है। मिडो में आपको अगर ग्रिल की बात की जाए, अभी इसकी ग्रिल के ऊपर तो प्लास्टिक थी लगी हुई, लेकिन आगे इंशाल्लाह रिमूव की गई, पिक्चर्स हैं हमारे पास, वो इंशाल्लाह दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भी इसकी अगर बात की, जिसके अंदर आपको मिडो में आपको होंडा का क्रोम कलर के अंदर आपको लोगो दिया जाता है, क्रोम की आपको इसकी पूरी ग्रिल दी जाती है फ्रंट के ऊपर, और नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक की दी जाती है। इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है। अगर इसके बम्पर की बात की जाए, बम्पर आपको हार्ड प्लास्टिक का मिलता है, इसके अंदर आपको फॉग लाइट्स दी जाती हैं और नीचे आपको छोटी सी ग्रिल जस्ट, ठीक है। अगर इसकी बॉनेट की बात की जाए, बॉनेट काफ़ी नीट एंड क्लीन है और काफ़ी स्मूथ सा, और मतलब एक काफ़ी डाउन नुमा छोटा बॉनेट इसके अंदर दिए गए। मिडम में आपको दोनों तरफ एक लेयर सी दी जाती हैं। फ्रंट अगर स्क्रीन की बात की जाए, तो स्क्रीन काफ़ी नीट एंड क्लीन स्क्रीन है इसकी, इसके अंदर आपको वॉशर और साइड में आपके इसके जो ऑलरेडी हर गाड़ी के अंदर होते हैं वाइपर वगैरह वो दिए जाते हैं। साइड मिरर अगर बात की जाए, साइड मिरर आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक, इसके अंदर आपको इंडिकेटर भी दिए जाते हैं। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक का कवर मिलता है वाइट कलर के अंदर, और नीचे आपको हाफ ब्लैक कलर का दिया जाता है, ब्लैक एंड वाइट के अंदर आपको इसका ये फंक्शन दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी ज़रा सी आपको राइट साइड से इसकी प्रोफाइल लुक दिखा देता हूँ। गाड़ी कुछ इस तरह की है, और जितने भी मॉडल्स आए उनकी शेप ज़रा सी बड़ी थी बनिस्बत इसके, लेकिन इसकी शेप ज़रा सी डाउन का मतलब कि गाड़ी से आगे से नीचे की तरफ इन्होंने इस बार कर दी, नहीं तो आगे से फ्रंट काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो अभी इसकी शेप वगैरह भी काफ़ी चेंज है, इसकी हेडलाइट्स के अंदर काफ़ी चेंजिंग आ गई हैं, फ्रंट ग्रिल के अंदर, नीचे बम्पर, फॉग लाइट्स वगैरह और फ्रंट स्क्रीन बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट आ गया इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। फिंडर की अगर बात की जाए, फिंडर के अंदर कोई इंडिकेटर नहीं दिया था, जस्ट नीट एंड क्लीन आपको सादा सा इसके अंदर फिंडर दिया जाता है और सादे आपके इसके अंदर व्हील कप दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई अलार्म वगैरह नहीं दिया जाता। आपको मैं इसकी राइट साइड से पहले इसकी विंडोज़ दिखा देता हूँ। विंडोज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन किया गया है, फ्रंट से लेके बैक साइड के फिंडर तक आपको एक लेयर सी मिल जाती है, जिससे गाड़ी का साइड की प्रोफाइल काफ़ी लुक अच्छी लगती है। इसके अंदर आपको इसके ओरिजिनल चिकन मेट भी आपको दिए जाते हैं, फिन बोर्ड नीट एंड क्लीन है, और इसके अंदर हैंडल ये आपको वाइट कलर के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। विंडोज़ के पैनल्स आपको मिल जाते हैं ब्लैक, और ऊपर आपके इसके ओरिजिनली आपके इसके सनशाइन हार्ड प्लास्टिक के दिए जाते हैं ब्लैक कलर के अंदर। बैक साइड के विंडोज़ के साइड में आपको हार्ड प्लास्टिक की छोटी सी सीट दी जाती है। बैक साइड के फिंडर नीट एंड क्लीन, और शेप से तो गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रही है। अब इसकी बैक साइड की टेल लाइट्स की बात कर लेते हैं। टेल लाइट्स इसकी काफ़ी बड़ी हैं, आधी तो इसकी बैक साइड की फिंडर के अंदर हैं और आधी इसकी ट्रंक के अंदर। तो इसके अंदर आपको ब्रेक लाइट दी जाती है, और इसके अंदर तो आपको दो बल्ब मिल जाते हैं, ऊपर आपको इंडिकेटर, और ट्रंक के अंदर आपको छोटी सी इसकी रिवर्स लाइट भी दी जाती है। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की इसकी बैक साइड की प्रोफाइल है। नीचे आपको इसका बम्पर दिया जाता है, नीचे इसकी ब्लैक कलर की आपको हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल दी जाती है, साइडों में आपको इसकी छोटी रेड कलर की आपको लाइट्स दी जाती हैं, मिडम में आपको होंडा का लोगो, यहाँ पर आपको इसका जो वेरिएंट है उसका लोगो दिया जाता है, और यहाँ पर आपको सिटी का, ठीक है। और टेल लाइट्स इसकी काफ़ी बड़ी हैं, रिवर्स लाइट, और आपको इसके अंदर मिडम लाइट ब्रेक लाइट दी जाती हैं। ट्रंक इसका स्पेस वाइज तो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन बाय से ट्रंक की शेप काफ़ी छोटी की गई है। इसकी बैक साइड की स्क्रीन नीट एंड क्लीन, इसके अंदर आपको मेरे ख्याल से ब्रेक लाइट भी दी जाती है, ऊपर आपको इसका शार्प एंटीना दिया जाता है, और आप देख लें कुछ इस तरह की बैक साइड की प्रोफाइल है। यहाँ पर मैं आपको इसके जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की है बैक साइड के ऊपर। आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसका फ्यूल का ऑप्शन दिया जाता है, और तो गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब चले जाते हैं जी इसके इंटीरियर की जानेब, और कुछ इस तरह का इसका स्टेयरिंग है।
आप देख लें। पहले इसकी स्टेयरिंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको हॉर्न के बटन दिए जाते हैं, मिडम में आपको है हुंडा का एक क्रोम कलर के अंदर आपको लोगो दिया जाता है, और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं मल्टीपाई स्टेयरिंग कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अंदर आप म्यूज़िक वगैरह का अटेंड करने का ऑप्शन है, और देख लें इसके अंदर आपको एयरबैग, और मिडम में आपको क्रोम कलर के अंदर आपको दो छोटे से कवर भी दिए जाते हैं। इसके स्पीडोमीटर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर आपको इसके अंदर आरपीएम मीटर दिया जाता है, स्पीडोमीटर आपको 220 और साइड में आपको डिजिटल आपको इसका मीटर भी दिया जाता है। मीटर में आपको छोटी सी स्क्रीन दी जाती है, इसके अलावा डबल इंडिकेटर का बटन, एसी की विंड्स आपको ऊपर की जानब दिए जाते हैं, नीचे आपको इसके मैनुअल आपको बटन दिए जाते हैं, आप मतलब 1, 2, 3 जहाँ पर आप इसका एसी का कंट्रोल वगैरह करना चाहें उसका ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। और अभी मैं आपको इसका और डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। राइड की जाने में अगर बात की जाए तो एसी क्विंट्स इसके अंदर आपको डबल दिए जाते हैं, हर चीज़ इसके अंदर डबल है। मिडम में ऑलरेडी जो हर गाड़ियों के अंदर मिडम में होते हैं, साइड में आपको एक पैसेंजर की जानब और राइड की जानब आपको इसके डबल दिए जाते हैं। ड्राइवर की जानब एक आपको डैशबोर्ड के ऊपर और एक आपको स्पीडोमीटर के साइड राइट की जानब मिल जाता है। नीचे आपको इसका इको सिस्टम वगैरह और साइड में कंट्रोल करने के बटन वगैरह भी दिए जाते हैं। कुछ इस तरह का इसके स्टीयरिंग है, और आपको इसके अंदर दो एयरबैग दिए जाते हैं। मैनुअल गाड़ी आपको मिलती है, इसके अंदर आपको ग्लास इसके ऑप्शन भी दिया जाता है, आपको ग्लास होल्डर भी दिए जाते हैं। मैनुअल गाड़ी है, आर्मरेस्ट वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है, स्पेस फेस गाड़ी भी ज़बरदस्त है, ठीक है। विंडोज़ की अगर बात की जाए तो विंडोज़ आपको मैनुअल इसके बटन मिल जाते हैं, राइट की ड्राइवर का आपको ऑटो मिलता है, और तीन आपको मैनुअल दिए जाते हैं। हार्ड प्लास्टिक का पूरा इसका मिल जाता है। मिडम में आपको छोटी सी इसकी क्रीमी कलर की आपको रिग्जीन दी जाती है, और पूरा हार्ड प्लास्टिक का इसका कवर है। सीट्स की बात की जाए तो आपको इसके अंदर लेदर की सीट्स मिलती हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स हैं क्रीमी कलर की, और आर्म रेस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी कम्फर्टेबल है। अब चले जाते हैं जी इसकी बैक साइड की जाने। बैक साइड की अगर सीट्स की बात की जाए, इसके अंदर आपको एक तो आर्मरेस्ट मिलता है, सीट बेल्ट मिलते हैं, बैक साइड के ऊपर आपको इसके चार्जर का ऑप्शन भी दिया जाता है, छोटी सी यहाँ पर इसे आपको स्पेस भी दी जाती है। और अगर इसकी सीट्स की बात की जाए, इसके अंदर आप दो बंदे तो काफ़ी रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, नहीं तो तीन बंदे भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ सकते हैं। फैमिली के लिए गाड़ी ज़बरदस्त है, स्पेस वाइज भी गाड़ी ज़बरदस्त है, मतलब जिस तरह के मेरी हाइट है उस लिहाज से मैं गाड़ी के अंदर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। जितने भी नए अप मॉडल्स आए हैं इनके अंदर ये बात अच्छी है कि बनिस्बत जितनी भी एक्सी गाड़ियाँ, जितने मॉडल्स पुराने हैं उनसे नए मॉडल्स के अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, एक तो ट्रंक की भी और दूसरा फ्रंट और बैक साइड की सीट्स की भी, ठीक है। और बैक साइड की भी आप देख लें, बिल्कुल फ्रंट की तरह बैक साइड के ऊपर भी इसका बिल्कुल सेम है। और विंडोज़ के अंदर आपको चारों विंडोज़ के अंदर आपको इसके स्पीकर मिल जाते हैं जेन्युइन, और वॉइस क्वालिटी आप ये समझ लें इतनी बुरी भी नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन अगर आप मीडियम म्यूज़िक सुनना चाहें या कुछ भी तो फिर कंफर्टेबल है, मतलब ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप हाई किस्म की म्यूज़िक चाहते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा। राइट साइड का आपकी यहाँ देख लें ऑटो बटन, तीन आपको मैनुअल, लॉक अनलॉक का बटन आपको दिया जाता है, स्टिचिंग वगैरह देख लें एग्जीन की, लॉक अनलॉक का इसके अंदर आपको छोटा सा फ्रंट के ऊपर भी स्पीकर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपको एयर कंट्रोल करने का बटन, नीचे इसका ये जो भी है डैशबोर्ड के अंदर आपको क्रोम का पूरी एक लेयर सा गोला भी दिया जाता है। जस्ट ये आ गया इसका स्पीडोमीटर, और देख लें, और अभी गाड़ी कितनी चली हुई है 51 किलोमीटर, मतलब अभी गाड़ी 100 किलोमीटर भी नहीं चली हुई, जस्ट 51 किलोमीटर 51 मतलब 85 आप समझ लें, ठीक है। ये आ गया एसी के विंड्स वगैरह, बटन वगैरह आप देख लें, और काफ़ी ज़बरदस्त मान। अब बात कर लेते हैं जी इसके इंजन की, इसके अंदर आपको 1.2 का आपको 1200 cc इंजन मिल जाता है, और एसी हर चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी परफेक्ट होती है। इंजन रूम कुछ इस तरह का आप देख लें, काफ़ी ज़बरदस्त, और फिनिशिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से आप देख लें बिल्कुल ज़बरदस्त, इसका ज़रा सा ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी इसके अंदर, गियर का लीवर वगैरह जो है ना कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके बने से जो और गाड़ियों का मॉडल थे उसके अंदर ये काफ़ी ज़बरदस्त शाइनिंग वगैरह, जिस तरह की अभी इनकी 35 लाख डिमांड चल रही है उस लिहाज से यार अंदर का कुछ इंटीरियर कुछ नहीं है यार। अब ये देख रहे हैं इसका फ्रंट, इसके अंदर आपको क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, फ्रंट की हेडलाइट्स के ऊपर, मिडम में ग्रिल की, नीचे भी, और हुंडा का लोगो वगैरह। जस्ट आप देख लें, उस टाइम पर ऊपर कली वगैरह लगी थी तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। अब ये देख लें बैक साइड का ट्रंक वगैरह, बैक साइड का लोगोज
आपको यहाँ पर आपको VIT का इसके अंदर आपको लोगो मिल जाता है, क्रोम का सिटी का क्रोम का लोगो, और कुछ इस तरह की इसकी लुक है। तो ये आगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं जी इसके टायर साइज़। तो अभी इसके टायर साइज़ देख लें किस टायर साइज़ इसका कितना ही बकवास है। टायर इसके अंदर काफ़ी छोटे दिए गए हैं तो ब्रांड न्यू, लेकिन एक तो आपको व्हील कप दिए गए, दूसरे इसके टायर्स की चौड़ाई वगैरह काफ़ी कम है। तो ये अगर गाड़ी मतलब ये रखना चाहें तो उसके लिए आपको टायर वगैरह चेंज करना पड़ेंगे। तो जिस तरह की प्राइसिंग चल रही है इस लिहाज से काफ़ी यार कंपनी वाले जो है ना अल्लाह हदायत देने। एनीवे गाड़ी का कुछ इस तरह का इंटीरियर था, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। इसकी प्राइस अभी मेरे ख्याल से चल रही है ऑन प्राइस इसकी 35,50,000 चल रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।